देखिए आपका न्यूमेरिकल पार्ट हम चला रहे हैं। एक औतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तथा उसकी प्रकृति क्या होगी और इस लेंस का आवर्धन क्या होगा, ठीक है। याद रखिएगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये शब्द है, इसका मतलब कि आपको भी फाइंड करना है, ठीक है, यानी प्रतिबिंब की दूरी फाइंड करनी है। प्रकृति क्या होगी का मतलब ये हुआ कि आभासी या वास्तविक में क्या होगी, ठीक हो गया। आवर्धन गणना करनी है ना, यानी छोटा m, m निकालना है आपको, क्लियर हो गया। अब देखिए, जो वस्तु की दूरी है यानी u कहेंगे, वो है आपका 30 सेंटीमीटर। जो आपका फोकस दूरी है वो है आपका 15 सेंटीमीटर, यानी ये 15 सेंटीमीटर। लेकिन इसने क्या कहा, लेंस कैसा है, अवतल, अवतल के लिए माइनस, क्लियर। अब ये वस्तु हमेशा बाएं रखी जाती है, इसलिए यू को हमेशा माइनस ही लेंगे। हम एक बार और वीडियो में बनाए थे तो आपको हमने बताया था। अब देखिए कि अगर हम यहाँ पे भी निकालना है आपको, तो हम लेंस सूत्र जब लगाएंगे तो 1/f, ठीक है, बराबर 1/v माइनस यू। यहाँ पे हम -15 रखेंगे, भी का मान हमें निकालना ही है, यहाँ यू की जगह पे -30 रखेंगे। ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, -15 + 1/v + 30। ये इस साइड जब आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी ठीक लग रहा होगा। तो 1/v बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 15 + 30, यानी 1/v बराबर -30 + 15/15 / 30। ये तरीका हम आप लोगों को इसलिए बताते हैं कि अगर आपको एलसीएम निकालना ना आता हो या एलसीएम की जल्दीबाजी हो, एलसी टाइम लगेगा, अलग से निकालना पड़ेगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। माइनस आपका ऊपर 45 हो गया, नीचे 15 हो गया, 30 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका 15 × 3 = 45, ठीक है। अब 1/v बराबर जो आया यहाँ से कट के, ये 10, यानी आप देख रहे हैं ये, ठीक है, यानी v बराबर होगा -10। याद रखिएगा, जब लेंस के सवाल में माइनस में कोई प्रतिबिंब की स्थिति आती है तो उसे हम कहते हैं आभासी, क्लियर, उसे हम क्या कहते हैं, आभासी। अगर प्लस में आएगी तो वास्तविक, माइनस में अगर आता है भी का मान तो आभासी, प्लस में आता है भी का मान तो वास्तविक। तो यहाँ पे रियल में क्या हुआ, आभासी हुआ, यानी ये आंसर आपका सही होगा। एक चीज़ और उसने पूछा था, आपकी दो चीज़ें हमने बताई, प्रकृति बता दी, वी बता दिया, अब बचा आवर्धन। आवर्धन में हम आपको बोले थे कि आई बटे ओ लगाइए, वी बटे यू लगाइए, ठीक है, तो ये आपका आवर्धन होगा। तो इसमें देखिए कि वी जो आया है आपका वो आया है -10, और जो यू है आपका -30 / क्या होगा, -30। हमने इस सूत्र का प्रयोग किया है दोनों का, तो m बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये होगा 10/30, यानी m बराबर 1/3, ये आंसर होगा। एक सवाल और देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक लेंस की क्षमता है, यानी लेंस की क्षमता का मतलब ये p है, तो p बराबर क्या है आपका 5। d का मतलब डायोप्टर से है, मात्रक दिया है क्षमता का, लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की प्रकृति कैसी होगी, सबसे बड़ी चीज, दो चीज़ें इसने पूछी है, फोकस दूरी क्या होगी और प्रकृति क्या होगी। लेंस प्रकृति जब बोलता है तो उसमें बताया जाता है
उत्तल है या अवतल है, ठीक है। उसमें क्या पूछा जाता है, बताया जाता है उत्तल या अवतल। और जब फोकस दूरी पूछी गई है तो सीधी सी बात है कि वो एफ मांग रहा है। तो अभी आप पढ़े थे कि पी बराबर होता है 100 बटे एफ सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पी का मान है 5, यहाँ है 100 और ये है एफ। तो यहाँ हो जाएगा एफ बराबर 100/5, ठीक है, हो गया ना। ये प्लस में है अडैप्टर, तो एफ बराबर हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि हमने एफ को इसमें सेंटीमीटर लेने का वादा किया है। तो ये आपका आया प्लस। याद रखिएगा प्लस की क्षमता हो, प्लस की पॉजिटिव क्षमता हो या पॉजिटिव फोकस दूरी हो, दोनों के लिए हम उत्तल ही कहते हैं। पहले भी हम वीडियो में दे चुके हैं। और अगर पी माइनस में हो, एफ भी माइनस में हो, है ना, या एफ माइनस में हो पी माइनस में हो, तो उसे हम अवतल कहते हैं। क्लियर हो गया। इस प्रश्न को देखिए, इसमें दो लेंस की फोकस दूरी क्रमशः इतना इतना है। दो लेंस की फोकस दूरी है, देखिए एक फोकस दूरी ये रही, है ना, यानी एफ वन हो गया, ये हो गई तो एफ टू हो गया। आपको बताना है इन लेंसों को अगर जोड़ दिया जाए तो परिणामी लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी क्या होगी। तो आपके पास कई तरीके होते हैं इसको हल करने के, कोई एक तरीका आप समझ लेंगे तो हो जाएगा आपका। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि टोटल की फोकस दूरी क्या होगी। तो जैसे देखिए यहाँ एफ वन बराबर हमारा है 10 और एफ टू बराबर है हमारा -20 सेंटीमीटर। तो जब हम दो लेंसों की जोड़ करके कोई फोकस दूरी, कोई नया लेंस बनाते हैं, तो उसके टोटल फोकस दूरी का ये सूत्र है, यानी ऐसे जुड़ता जाता है। दूसरी बात, ये योग हमेशा बीजगणितीय होता है, यानी माइनस का माइनस, प्लस का प्लस, यानी अवतल अगर दिख जाएगा तो माइनस रखेंगे, या माइनस में फोकस दूरी रहेगी तो माइनस रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ आपको हो गया 10 और यहाँ हो जाएगा आपका -20। तो 1/f जब करेंगे तो ये आपका -20 दिख रहा है, ठीक है। तो 1/f बराबर हो जाएगा 20 - 10/10 × 20, यानी 1/f बराबर होगा 10/10 × 20, यानी ये कैंसिल हो गया, यह बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्यों यह बराबर 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ऊपर का एक एक है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ देख लीजिए, इसकी कुल की फोकस दूरी आई कितनी, 20 सेंटीमीटर। जो ये आपसे पूछा है ना फोकस दूरी क्या होगी, इसका आंसर हो गया कि दोनों लेंस की परिणामी जो फोकस दूरी आएगी वो 20 सेंटीमीटर आएगी। अब ये जो लेंस बना है, जैसे हमने एक उत्तल अवतल जोड़ा है, इसी में एक अवतल को जोड़ा है, एक की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दूसरे की 20 सेंटीमीटर है, इन दोनों को जोड़ने के बाद एक नया लेंस बना हुआ है, और इस नए लेंस की जो फोकस दूरी आएगी 20 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। और इसकी प्रकृति जो होगी, चूँकि प्लस का है तो उत्तल वाली होगी। अब हमको देखना है कि हमें इसकी क्षमता कैसे निकालेंगे बने हुए लेंस की। तो बने हुए लेंस की क्षमता निकालनी है तो लास्ट वाली फोकस दूरी जो दिख रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 100/f सेंटीमीटर में, तो p बराबर 100, या हमने कितना लाया 20, तो p बराबर क्या हो जाएगा 100/20 का मतलब 5 डायोप्टर। यानी संयुक्त लेंस जो बना है, यानी दोनों को जोड़ के जो लेंस बना है, उसकी क्षमता आएगी 5 डायोप्टर। क्लियर। देखिए अगला सवाल है इसमें कि 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, इसका मतलब ये ओ या ओ ओ डैश का मान है ना, और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, ये जो है आप उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है, या बोलेंगे सामने रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति
स्थिति का मतलब होता है कि आपसे भी पूछ रहा है, और आकार का मतलब होता है प्रतिबिंब आकार का मतलब है कि आई पूछ रहा है, और प्रकृति का मतलब है कि आभासी या वास्तविक में से कोई पूछ रहा है। ठीक हो गया इतना। अब सूत्र पे डालिए सीधा सीधा। तो सबसे पहले फोकस दूरी तो हमारी कंफर्म हो गई 20 सेंटीमीटर, और लेंस कैसा है उत्तल तो उत्तल के लिए प्लस। अब जो देखिए इस सवाल में कमी आ गई है कि इसमें वस्तु को कहाँ रखा जाए इसने नहीं दिया है, तो इसी में ऐड हो जाएगी वस्तु इतने सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। क्लियर हो गया? देख लीजिएगा फिर से हम पढ़ देगा। 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति आकार प्रकृति बताए। क्लियर हो गया? अब एक चीज फाइनल हो गया कि यहाँ जो 30 सेंटीमीटर दिया है ये आपका यू है। याद रखिएगा हमेशा u का मान माइनस ही लिया जाता है। अब देखिए अगर हम सूत्र लगाते हैं 1/f बराबर, तो 1/v माइनस 1/u, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर दिख रहा है यहाँ पे, v आपको निकालना ही है, u हमने माइनस 30, तो 1/20 बराबर हो जाएगा v प्लस 30, है ना 30। तो 1/v बराबर हम कह सकते हैं 1/20 माइनस 1/30, ये इस साइड जा रहा है तो माइनस में होगा। अब 1/v बराबर हमारा हो जाएगा, एलसीएम अगर आप सेट करना चाहते हैं, नहीं तो आप अपेक्षा गुणा कर दीजिए 20 माइनस 20 और 20 प्लस 30। 1/v बराबर हो जाएगा, यहाँ से कट के 10 आएगा, 20 गुणे 30 यानी v बराबर हो जाएगा, यहाँ पे तो कट जाएगा 1/60, यानी v बराबर क्या आएगा 60 सेंटीमीटर, यानी स्थिति फाइनल हो गई आपकी। अब इसमें आता है आकार, तो आकार के लिए हमें बहुत मेहनत नहीं करनी चाहिए, तो हम अभी पढ़ते हैं कि v बाई यू बराबर आई बटे ओ, हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, यानी v बाई यू बराबर आई बटे ओ हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ v का मान कितना आया 60, u का मान कितना था 30, और आई का मान हमें निकालना है, आई का मान हमें क्या करना है देखिए निकालना, और ओ हमारा 5 सेंटीमीटर है ना, ये देखिए देखा है, तो ये कट के 2 आएगा, यानी आई बराबर 2 गुणे क्या हो जाएगा 5, यानी आई बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, ठीक है, और प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, भी का मान कैसा आया प्लस, जब प्लस आता है तो प्रतिबिंब होती है वास्तविक। ओके, अगला सवाल हमने थोड़ा अलग दिया है, इसको आप देखें। इस सवाल में एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, यानी f हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। फिर बोला है कि दुगना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब, यानी दुगना बनाना है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखनी हो, कितनी दूर का मतलब वो आपसे यू का मान मांग रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज और जानिए कि दुगना वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो आपके थ्योरी में है आई का मान ओ के मान का दुगना है, ठीक है, आई का मान यू के मान का दुगना है। तो अगर हम इसको देखें तो आई बटे ओ बराबर हमारा क्या आएगा 2, और इसी के बराबर क्या होता है वी बटे यू, यानी हम ये कह सकते हैं कि वी बराबर 2u,
ओके। अब हम अपने सवाल में डालते हैं, वन अपॉन एफ बराबर, सूत्र लेते हैं रेंज का, ये हमारा कितना लिखा जाएगा 50, है ना, ये हमारा कितना लिखा जाएगा 50। भी को उसने वास्तविक कहा है, वास्तविक यानी इसका मान पॉजिटिव में है तो यू रख दिए, लेकिन यू तो कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, यू के लिए निगेटिव है। वन अपॉन 50 इक्वल, या देखिए दोनों प्लस हो गए, ये भी आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 1/50। अब यहाँ देखिए ये यू है आपका, यहाँ पे वही काम आप कर सकते हैं, दोनों को गुणा किया जाता है, कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए। अब देखिए 150 इक्वल ये 3u हो गया बटे ये हो गया 2u u, एक u कैंसिल हो गया, है ना, ये आपका u है। अब क्या करेंगे कि इसको ऐसे तिरछा गुणा कर दीजिए, यानी 2u बराबर हमारा आएगा 50 × 3, यानी u बराबर हो जाएगा 50 × 3/2, यानी ये हो जाएगा कितना 25। तो हम कह सकते हैं कि u बराबर हमारा आ रहा है 25 × 75, यानी हम क्या करेंगे, वस्तु को लेंस से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। देखिए यहाँ पे आपको हमने सवाल दिया है, एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, यदि वस्तु और पर्दे की स्थिति बदल दें, ठीक है, वस्तु की और पर्दे की स्थिति बदल दें, यानी भी और यू का मान चेंज कर रहा है, कहने का मतलब ये है आप उत्तल लेंस ले रहे हैं, यहाँ आपने पर्दा लगाया है, यहाँ किसी वस्तु को आपने रखा, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर आपको 3 गुना बड़ा दिखता है, यानी भी बाई यू का मान कितना होगा आपका 3, 3 गुना बड़ा, ये मतलब हुआ आवर्धन 3 आएगा। अब बोला ये आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, फिर बोला कि यदि वस्तु और पर्दे की स्थिति बदल दें तो इस दशा में आवर्धन क्या होगा। सीधी सी बात है कि पहले ये यू था और ये भी था, लेकिन जब हमने बदला तो अब हमारी स्थिति हो गई, ये भी हो गया और ये यू हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे पहले की स्थिति में जो था वो तो अलग ही था, यानी अब वस्तु भी पर है और ये यू पे है, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटी अगर वस्तु की दूरी आप करते हैं तो उस स्थिति में, अब यहाँ देखिए उसको क्या लिखेंगे आप, इसमें अगर समीकरण 1 मानते हैं ये उल्टा रहा तो 1/3 क्या होगा, यानी आवर्धन कितना हो जाएगा इसका, बोलिए 1/3 हो जाएगा। ओह शिट, बिना वीडियो चला ही हमने आपका सवाल हल कर दिया, ऑन नहीं था। अब फिर दोबारा इसी को समझा देते हैं। यहाँ देखिए हमने लिखा है, एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें, एक किरण आर एक दे, ठीक है ना। यहाँ देखिए हमने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो यू बराबर हमने 30 लिखा है, ये माइनस ही रहता है हमेशा, और 20 सेंटीमीटर पर वास्तविक प्रतिबिंब, इसने वास्तविक जो शब्द कहा है इसी की वजह से यहाँ पे आपका प्लस में 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ये लेंस का सूत्र है आपका 1/f, तो यहाँ देखिए भी की जगह हमने 20 रखा, यू की जगह हमने 30 रखा, ये माइनस में रखा है, दोनों मिलकर के प्लस हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब यहाँ पे इसको यहाँ यहाँ करके गुणा करके भाग दे दिया, यहाँ थोड़ी सी चीज़ नहीं डाले थे हम, वीडियो में शायद ज़्यादा समझ में आता पहले, अब तो कट गया है। तो यहाँ के 2 शून्य को हमने 100 कर दिया था, 5 × 5 हमारा ये 50 आया, और 2 × 3 ये 50 से इसको काट दिए थे, उसके बाद हमारा जो आया था 1/50
12 आया था, यही फोकस दूरी आपकी लेंस की होगी। किरण आरेख के लिए हमने बताया था कि ये आपके उत्तल लेंस है, इससे 30 सेंटीमीटर दिखाने के लिए हमने यहाँ से देखिए बराबर दूरी पे तीन चीज दिखाई है, यहाँ वस्तु को हमने रख दिया और इसका प्रतिबिंब हमें 20 सेंटीमीटर पर मिल रहा है, तो हमें ये 20 आपको दिखाने का एक नया ढंग बनाया। अगर मान लीजिए कि आप ठीक ठीक नहीं बना पाते, थोड़ा लंबाई में कमी आती है, तो आप ये वाली चीज़ यहाँ पर लिख लीजिए, आपको ठीक लगेगा और सही भी दिखेगा। धन्यवाद।